अमरनाथ आपके घर के अंदर से एक लाइव वीडियो आया है, उसमें आपके बेटे बोल रहे हैं कि मालती चौहान अब जाएगी विष्णु राज के घर। अगर कोई पति किसी की पत्नी अगर किसी के साथ चार दिन गायब रहे तो पति अपने अपने बेटे को कैसे रख सकते हैं साथ में अपने? जो गोरखपुरिया भौजी है ये कैसी है? चाचा वो भी तो उसी में शामिल है। तो सबसे सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह गोरखपुरिया भौजी तो है। देखिए चाचा भी कह रहे सबसे बड़ी गुनाहगार गोरखपुरिया, बड़ा गुनाहगार अगर कोई पचाता है, कोई चोरी करता है, किसी के सामान हड़पता है, किसी के समाज लेकर किसी के बेचता है, तो सबसे बड़ा गुनाहगार वो होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नाथनगर में, उसी नाथनगर में जहां पर अर्जुन का घर है। वही अर्जुन, जान लीजिए वही अर्जुन जो मालती चौहान को चार दिन से लेकर फरार थे, जो कि विष्णु राज की पत्नी थी, और कल शाम को घर पर आ गए हैं। उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनके घर से कोई बाहर निकला नहीं और बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका पति तो आ गया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि मालती चौहान कहाँ हैं? चार दिन से अगर आपके साथ में थी मालती चौहान, तो मालती चौहान की जिम्मेदारी कौन लेगा? विष्णु राज अपनी बीवी की शादी 12 बजे अर्जुन से करवाता है, और अर्जुन चार दिन से फरार था इसी गाड़ी को लेकर। देखिए इसका नंबर प्लेट दिखाइए, पहले नंबर प्लेट टूटा हुआ है। इसी गाड़ी से चार पाँच दिन से लेके गायब था। क्या पुलिस वाले भी इसको नहीं पकड़े कि टूटे हुए नंबर की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहा है वो? आइए उनके पिताजी यहीं पे हैं, उनसे थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। चाचा जी नमस्ते। देखिए थोड़ा से बोल दीजिए कहाँ हैं अर्जुन, अर्जुन कहाँ ये तो बता दीजिए। हमको ये मालूम नहीं है कहाँ अर्जुन कहाँ मालती हैं। हम तो अपने बच्चे में साथ में, हम किसी तरह कल त्यौहार है, हमको मालूम नहीं है भाई। जो है मालूम वही बताइए, कुछ नहीं। अभी अभी अर्जुन घर पे थे, हमको मालूम नहीं कब आए कब जाने, हम नहीं जानते। शायद अमरनाथ आया, उनको कहाँ लेके गया अर्जुन को? अब हम आ रहे हैं तो अभी देखिए बाजार से आ रहे हैं। आप अपने बेटे के बाप हैं, हमारे भी बाप हैं, क्या बाप को पता नहीं होता बेटा क्या कर रहा हो, कहाँ पे है? हमको कुछ नहीं पता है। कैसे नहीं पता, किसी की जिंदगी का सवाल है चाचा। मगर मालती चौहान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप और आपका बेटा है, क्योंकि चार दिन से मालती चौहान आपके आपके बेटे के साथ थी। कौन जाएगा जेल मगर उसके साथ कुछ हुआ तो हम तो जा रहे हैं थाने पे साहब, साहब के अधिकार थाने पे आप जाइए, थाने पे जाइए, लेकिन इसका जवाब तो दीजिए कि कौन जिम्मेदार। हम इंसाफ मांगने जा रहे हैं, हमको मालती आप किस चीज का इंसाफ मांग रहे हैं? किस किस चीज का इंसाफ मांगेंगे आप बताइए? कि हमको मालूम नहीं है विष्णु कहाँ है, मालती कहाँ है और कहाँ है, और हम सरकार से ही अपना जाते हैं हम रिवर्स करने। हमको चाचा देखिए आप घबराइए मत, आपके बेटे ने, आपको पता है कि आपके बेटे ने मालती चौहान को लेके गायब हुआ था, चार दिन से गायब थे, अभी घर पे वो थे, हम लोग आए थे तो घर पे थे। ये ड्रामा वीडियो सबको मालूम हो रहा, क्या हो रहा, क्या जा रहा है सरकार, तो हम हमारे परिवार बच्चे हम क्या जानेंगे इसमें क्या हो रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके बेटे कहाँ हैं? नहीं हमको नहीं पता। अभी वो घर पे थे जब आए थे सुबह हम लोग, तो आप बता रहे थे कि घर पे हैं, वो आ गए हैं। अमरनाथ आपके घर के अंदर से एक लाइव वीडियो आया है, उसमें आपके बेटे बोल रहे हैं कि मालती चौहान अब जाएगी विष्णु राज के घर। अगर कोई पति किसी की पत्नी अगर किसी के साथ चार दिन गायब रहे तो पति अपने अपने बेटे को कैसे रख सकते हैं साथ में, अपने पत्नी को कैसे रख सकता है? चाचा ये बताइए हमें। हाँ हेलो, हमारा दिमाग पागल है। हमको चाचा देखिए आप घबराइए मत, आप जाइए आराम करिए, जो भी करना है कर दीजिए अपने बेटे के खिलाफ, ठीक है? क्योंकि आपका बेटा गलत है, आपका बेटा ही चार दिन से मालती को लेके गायब था, और चार दिन बाद घर से आया और अमरनाथ उसको लेके अब गायब हुआ है, चार दिन बाद अमरनाथ लेके गायब हुआ है। देखिए चाचा बोल नहीं रहे। चाचा अच्छा एक जवाब दीजिए हमें, क्या ये YouTube पर ऐसे ही गंद फैलाते रहेंगे और ऐसे ही बनाते रहेंगे? क्या दूसरे की बहन बेटियां बहू नहीं है घर पे? देखिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब के सब उनके पिताजी हैं अर्जुन के, और अभी अर्जुन घर पे था। हमने आपको बताया कि अमरनाथ का, अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें देखे होंगे कि अमरनाथ के साथ वो लाइव आया हुआ है, इसमें अमरनाथ भी शामिल है, इसके ऊपर भी FIR होना चाहिए। कहाँ लेके गया भैया? नमस्कार, सुर्ती खा लीजिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बहन बेटी को लेकर आप भाग जाओ, किसी की बीवी लेके भाग जाओ और चार दिन बाद वापस आओ, बोलो आपकी बीवी वापस कर रहे हैं, रखेगा कोई? नहीं भाई रखित नहीं। क्या अर्जुन की बीवी अगर विष्णु लेके जाता तो अर्जुन रख लेते? नहीं नहीं। आप यहीं इसी गांव के हैं? नहीं भाई हम आए नहीं कहीं।
चलिए आप जहीं जहां भी कहीं के हों, ये जो YouTube पर जो गंदे लोग फैला रहे हैं, गुड़िया गोरखपुरिया, गोरखपुरिया भौजी, विष्णुराज, मालती चौहान, अमरनाथ, ये सब करना चाहिए, अर्जुन भी शामिल। अरे यार, जितना जो बदनाम है उसका उतना नाम है, समझे? तो हमारा दिखाए दिखाए कहा भाई ऐसे दिखाई है। अरे तो कहा भाई दिखाए, आपो को लड़का हुई है कहा है नहीं तो बिहार से आई का कहीं है तो कुछ करे बिगड़ा था बिगड़ी तो जनरेशन में बिगड़ान का है। मतलब आपको कोई फिक्र नहीं जैसे बनाए लोग अब लिया गई लेके यार दोनों में ले आई तो क्या करेगा हमें। तो बात तो यही है, सवाल तो ये बनता है ना कि अगर आप अपने घर आए तो मालती चौहान कहाँ है। हाँ इनके बतावे चाहे भाई कहाँ, इसको बताना चाहिए मालती चौहान कहाँ है, बता अभी उसके साथ कुछ घटना होता है जिम्मेदार कौन है। पहले ही है जाइए ना, हाँ आपको पूछ जाइए। अरे घर भाजी उन्होंने भैया यहाँ तो यही देखा भाजी के भाजी कहाँ से खाने यार भाजी कमने ना ही जाने भाजी पाजी भाजी ना जानते ना ही जानती ओके कहा जानी हमने कहा जानी उसे कहा ले उन्होंने मालती चौहान के लेके खूब घूमत रही गाड़ी गाड़ी मेरा में हमसे कहा मतलब है यार उनसे हमसे ना ही मतलब है। अच्छा ये बतावा क्यों की मेहरारू क्यों लेके चार दिन से गायब रहो फिर लाइक दो ना इंसाफी है यार इंसाफी है ना और क्या करे चाहिए लोग के साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ यार सब। ये जो वीडियो बना रहे नंगी नंगी वीडियो फुअर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे इनके साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए यार इस पे कार्रवाई होनी चाहिए सब रोक लगाओ यार ऐसा कौन रोक लगा आज बहुत गंदा हो रहा है। आप मोबाइल चलाते हो? नहीं हम मोबाइल ही नहीं चलाते हे महाराज इतना डिजिटल जमाने में तो डिजिटल जमाने से क्या लेना देना देखिए हम ये छोटा सा मोबाइल चलाते हैं। चलिए आप बहुत बचे हुए हो देखिए उधर से भाग गए। ए भैया सुन लीजिए थोड़ा से ए प्रभु भैया आप लोग की भी जिंदगी है शादियाँ होंगी बीबी होंगे बच्चे होंगे छोटे छोटे बच्चे होंगे बड़े बड़े होंगे कल बीबी भाग जाएगी तो आप लोग किसको कहेंगे। ये तो हाल है भैया एकदम पूरा सत्यानाश करके लगाए हुए हैं। चाचा नमस्कार भैया थोड़ा सा एक मिनट समय हमें दे दीजिए। यहाँ अर्जुन का घर है आपका घर यहीं गाँव में है? हमारा घर यहाँ नहीं। अच्छा चलिए कहीं भी हो मोबाइल चलाते होंगे? हाँ मोबाइल चलाते बच्चे भी चलाते होंगे? बच्चे चलाते हैं। जो ये लोग गुड़िया गोरखपुरिया गोरखपुरिया भौजी विष्णुराज मालती चौहान ये लोग वीडियो जैसी बनाती हैं ऐसा वीडियो बनाना चाहिए? वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए समाज आ गया जिसके पास टच का मोबाइल हो तो हर चीज़ कही रहा हमारे पास चाचा मोबाइल नहीं। अगर आप गंदी वीडियो बनाएंगे नंगी वीडियो बनाएंगे तो बच्चे जिसके दूसरे देख रहे हैं बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? बिल्कुल बिगड़ जा रहे हैं बिगड़ रहे हैं बिगड़ नहीं रहे हैं बिगड़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या यूट्यूब में मंगा मंगा करके अपना देख करके देख रहे हैं। विष्णुराज की पत्नी मालती चौहान को ये अर्जुन लेके भाग गया चार दिन से गायब था। अच्छा हमें भी नहीं पता हम तो आज आए हैं दिल्ली गए। अच्छा, थे दिल्ली से आए हमें पता नहीं अभी आए चार दिन बाद आया। अब उनकी बीबी बोल रहा है कि वो अपने घर जाए कैसे कोई रखेगा अपने घर नहीं देखिए समाज में गंदा काम न करें सही काम करें जो गलती हो गया उसको माफ़ करें अपने बीबी को अपने पास रखें। भैया क्यों इनके पास भी एक बेटी बीबी थी हाँ है दूसरी बीबी क्यों लेके भागे ये भी सवाल बनता है। हाँ हम तो सुने हैं मतलब हम अपने गाँव के हैं नहीं भैया। हाँ तो ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए समाज में गंदगी होता है और ये लोग गंदगी फैला रहे हैं ना। बिल्कुल गंदगी फैला गोबर गोबर है एकदम बिल्कुल गोबर है गोबर से बढ़ के बदतर है पशु हैं पशु है जिसके पास ज्ञान है वह पशु है। हाँ। ये जितने भी ऐसा वीडियो बनाते हैं जो प्लेटफॉर्म आया यूट्यूब का फेसबुक का जो हम सुन रहे हैं जो जो गोरखपुरिया भौजी है ये कैसी है? चाचा वो भी तो उसी में शामिल है तो सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह गोरखपुरिया भौजी तो है। देखिए चाचा भी कह रहे सबसे बड़ी गुनाहगार गोरखपुरिया बड़ा गुनाहगार अगर कोई पचाता है कोई चोरी करता है किसी के सामान हड़पता है किसी के समाज लेकर किसी के बेचता है तो सबसे बड़ा गुनाहगार वो होता न अर्जुन जाता न वह का न उसकी मालती जाती और सबसे बड़ा गुनाहगार जो यूट्यूब बना रही है ना गोरखपुरिया भौजी जी अगर वह जेल में जाने उसके पुलिस तपारना करे उसके साथ तो उसका सब कहानी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे लड़कियों को बरगला करके बेच दे रहे हैं शादी करवा रहे हैं विवाह करवा रहे हैं ये पैसा कमाती है क्या? मालती चौहान को अपने गाड़ी में बैठाई उसको लेके घूमी उसके साथ वीडियो बनाई और उसके बाद बोलती है इनका हम सुलह करवाएंगे और सुलह करवाने के बजाय इनके साथ भगवा दी। हाँ ये सुन रहे थे सुलह क्या करवाएगी जब सब कुछ खत्म कर दी है लोहा गर्म था चोट मरवा दी दिमाग लगा अब उसके बाद दिमाग लगा दी अब लोहा ठंडा हो गया तो कौन हथौड़ा चलाएगा उस पे? बोलती हमारे पास वकील पर्सनल है थाना पर्सनल है। अरे उसकी माँ की ऐसी तैसी कैसी पर्सनल है योगी राज है गांड में डंडा डाल करके उलट रहेगा योगी राज है यह तो क्या कहेंगे उसको? हम तो कहेंगे सबसे बड़ी गंदी है गोरखपुरिया भौजी और बिल्कुल है गोरखपुरिया भौजी बहुत बड़ी गंदी सब गोरखपुरिया भौजी तुम्हें देखने वाले लोग हैं अपनी हरकत बंद करो। चाचा सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है भैया देखिए अब तो कहते हैं हम भी हों हम एक गोरखपुरिया भौजी नहीं अगर हम ही हैं किसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं किसी का घर बिगाड़ेंगे
किसी का सब कुछ करेंगे तो सबसे बड़ा गुनहगार भाई हम हैं। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं गोरखपुरिया भौजी से, वीडियो बनाओ चाहे फिल्मी स्टार में जाओ, मगर किसी के साथ इतना बड़ा आपघात मत करो। अगर करी हो, गलती की हो, तो उसका उसको फिर रास्ते पर ला करके दोनों को संबंध हटा करके इसके साथ रखो। अभी अर्जुन भाग गए घर से, आए घर पे, मालती चौहान का पता नहीं कहाँ छोड़ दिए और खुद गायब, घर पे आके गायब हो गए। उनके घर वाले नहीं बता रहे कि मालती चौहान कहाँ है। अगर आपका बेटा लेके गया किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी की पत्नी को, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। आपका बेटा अगर वापस आया तो आप पूछिए ना क्या इस मैटर में। हम तो जानते नहीं है कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। वो तो मतलब अगर केस चलेगा तो पुलिस का काम है। नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे थे, आप एक पिता हैं, आपका अगर बेटा किसी की बेटी के लेके भाग गया और फिर आया घर पे, तो आप तो जानकारी रखेंगे ना। मेरा लड़का होता तो हम उसको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल अंजार कर देते। कैसी बात है। गोरखपुरिया भौजी को एक बार और समझा दीजिए। मैं गोरखपुरिया भौजी से ही निवेदन करता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा खता किया हो तो आप मान करके इन दोनों को हटा करके अर्जुन की बहू के साथ कर दीजिए, और जो उसकी क्या नाम मालती को उसके विष्णु राज के पास भेज दीजिए। यही सबसे बड़ी बात है ना। लेकिन चाचा चार दिन से वो बाहर रही इनके साथ, वो बोला हम रखेंगे नहीं, अब कहाँ जाएगी वो एक बच्चे को लेके। अब बताइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम तो खाली कर सकते हैं ना, हम कर सकते ना कर सकते हैं ना, कोई कर सकता है। अब तो अगर कोई करेगा तो इंसाफ अगर चाहेंगे तो। मालती चौहान नहीं मिल रही, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो कौन जिम्मेदार है। अब नहीं मिल रही है तो गोरखपुरिया भौजी और अर्जुन जिम्मेदार है ना, और उनका पति भी जिम्मेदार है, कोई नहीं होगा। देखिए इधर भी है, इन लोगों की भी शादी होगी। देखिए वो भाग रहे हैं, बाल पक गया, शादी उदी हो गई है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक लोग साइकिल अड़साते हुए एकदम चीरते हुए निकलते हुए आ रहे हैं। चाचा नमस्कार, यहीं के हैं आप? अर्जुन को जानते थे? नहीं चाचा, यार इन सवाल नहीं जानते भाई। आप यहीं के अर्जुन को नहीं जानते? नहीं जानते हैं ना। ये तो आइए महाराज, आप जैसे हमें यहाँ नहीं रहते हैं ना। अच्छा यहाँ नहीं रहते हैं। मालती चौहान विष्णु राज की पत्नी को अर्जुन लेके चार दिन से फरार थे और खुद वापस चले आए और उनकी बीवी को पता नहीं है। अब उसके बारे में वो लोग जानेंगे, हम कैसे बताएंगे जो हम यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ पर नहीं रहते? मोबाइल चलाते हैं? नहीं। आपके परिवार में कोई तो चलाते? हाँ चलाते हैं। क्या बच्चे बिगड़ नहीं रहे जैसी वीडियो ये लोग बनाते हैं? अब उसके बारे में वो लोग जाने, मोबाइल तो मैं चलाता नहीं, कैसे हम बताएं उसके बारे में। आप नहीं चलाते, बच्चे चलाते होंगे घर पे, तो कोई ना कोई चलाता होगा इस समय में। लेकिन ये लोग जो नंगी वीडियो गंदी वीडियो बनाते हैं उससे बच्चे बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं? अब उसके बारे में वो लोग जानते हैं। बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए भाई। खिलाफ है इसके? हां खिलाफ है। एक शब्द बोल दीजिए कुछ की क्या करें लोग, कैसी वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो डालें और क्या, जो समाज को संदेश दे, कुछ बच्चे सीखें उससे, ये सब दिखाने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं बात। अच्छा देखिए, और देखिए ये इनसे तो हम जरूर पूछेंगे, इनकी शादी नहीं हुई है, अगर कल हो गई और इनकी बीवी भाग गई तो क्या रखेंगे? आइए देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, आइए मारा सुन लेना, तुमको हम पकड़ के रखेंगे। देख रहे ये बच्चे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अगर ऐसा समाज में जो गंदगी आप लोग फैला रहे हो बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। आप सभी लोग सुन लो, अगर मालती चौहान को अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार विष्णु राज, गोरखपुरिया भौजी, अमरनाथ और ये क्या नाम इनका अर्जुन, यही लोग होंगे। क्योंकि अर्जुन चार दिन से मालती चौहान को लेकर गायब थे, चार दिन बाद वापस आए, खुद तो घर पे हैं, मालती चौहान का पता नहीं। वीडियो देखकर आप लोग एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।